हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक क्राइम थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की शुरुआत एक बेबी नाम के ड्राइवर से होती है, जो कि तीन लोग ग्रिफिन, बडी और उसकी वाइफ डार्लिंग, इन लोगों के साथ बैंक के सामने खड़ा था। ये तीनों लोग बेबी को कार में छोड़कर अंदर बैंक लूटने के लिए जाते हैं। वहीं इधर बेबी अपने कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था। जब वो तीनों बैंक लूटकर यहाँ आते हैं, तब बेबी अपने गाड़ी को दौड़ाता है, लेकिन पुलिस इनके गाड़ी का पीछा करती है। लेकिन बेबी एक शानदार ड्राइवर था और वो इन तीनों को अपने ड्राइविंग स्किल की मदद से बचा लेता है। इसके बाद बेबी और ये तीनों लोग डॉग के पास जाते हैं, जो कि इन लोगों को क्राइम करने के लिए भेजता है। इनके क्राइम्स करने से जो भी पैसे जमा होते हैं, ये लोग आपस में बांट लेते हैं। डॉग बेबी को इसके शानदार ड्राइविंग के लिए ज्यादा पैसे देता है, लेकिन ये बात ग्रिफिन को अच्छी नहीं लगती है, जिस पर डॉग बेबी की तारीफ करता है। डॉग इन लोगों से कहता है वो ज्यादा पैसा डिजर्व करता है। डॉग की बातें सुनकर ये लोग बेबी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बेबी इन लोगों से कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि वो हमेशा चुप रहता है, इसलिए ये लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद डॉग बेबी को अकेले पार्किंग लॉट तक लेकर जाता है, जहां वह बेबी के पैसों में से कुछ पैसे ले लेता है, क्योंकि 6 साल पहले बेबी ने गलती से डॉग की एक कार चुरा ली थी, जिसमें डॉग के कुछ इंपॉर्टेंट सामान रखे हुए थे, जिसके बदले में डॉग ने बेबी से कुछ डील्स किए थे कि वो उसके पास जितने भी पैसे आएंगे उनमें से कुछ पैसे उसे दिया करेगा, ताकि डॉग के सामान का भरपाई हो जाए। बेबी यहाँ डॉग से ये कहता है उस डील के मुताबिक उसके पास एक लास्ट जॉब रह गई है, जिसे वो खत्म करके अपना कर्जा चुका देगा। डॉग भी उसकी बातों से एग्री करता है और यहाँ से चला जाता है। बेबी अपने घर में आता है और वो अपने बचे हुए पैसे को एक जगह पर छुपा देता है, जहाँ पहले से कुछ पैसे रखे हुए थे। इन पैसों को देखकर ये समझ में आता है बेबी अपने अच्छे फ्यूचर के लिए पैसे जमा कर रहा है। बेबी डॉग की कुछ बातों को अपने म्यूजिक में शामिल करता है और वो उसकी बातों को म्यूजिक की तरह रिकॉर्ड करता है, और उन कैसेट्स को वो अपने मॉम के कैसेट्स के साथ रखता है। इसके बाद वो अपने अडॉप्ट किए हुए फादर जोसेफ के पास जाता है, जो कि ना तो सुन सकते हैं और ना ही चल सकते हैं। वो बेबी के लिए बहुत परेशान होते हैं। वो बेबी से इस जॉब को छोड़ने के लिए कहते हैं। बेबी उन्हें इशारों में बताता है कि वो बहुत जल्द फ्री होने वाला है। कुछ देर बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ उसे वेट्रेस डिबोरा मिलती है, जो बेबी की तरह म्यूजिक में इंटरेस्ट रखती थी। उसे डिबोरा का ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। वो सोचता है ऐसा कोई तो है जिसे उसकी तरह म्यूजिक का पैशन है। बेबी डिनर के बाद अपने घर में आता है और वो डिबोरा का गाया हुआ गाना घर में गाता है और अपने फादर के साथ खूब इंजॉय करता है। तभी उसके पास डॉग की कॉल आती है। वो उसे फोन पर एक नए जगह पर पहुंचने के लिए बोलता है। बेबी उसकी सारी बात मान लेता है और अगले दिन टाइम पर उस जगह पर पहुंचता है। डॉग बेबी को उसके नए पार्टनर से मिलवाता है। इनमें एडी, जेडी और बैट्स शामिल थे। ये लोग बेबी को देखकर उससे हर वक्त सॉन्ग सुनने की वजह पूछते हैं, जिसके जवाब में डॉग इन्हें बताता है बेबी अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहा था, उसी वक्त इन लोगों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बेबी के पेरेंट्स तो मर गए लेकिन बेबी जिंदा बच गया, और यहीं से उसे हियरिंग प्रॉब्लम हो गई, और इस बीमारी को टीनेटिस कहते हैं, जिसमें बेबी को एक बीप सुनाई देता है, इसलिए वो हर वक्त म्यूजिक सुनता है। ये लोग उसकी प्रॉब्लम सुनकर उसका मजाक उड़ाते हैं, जिस पर डॉग उन्हें ऐसा करने से रोकता है और वो उन्हें ब्लैकबोर्ड पर देखने के लिए बोलता है, जिसमें वो रोड का मैप बनाकर सभी को प्लान बताता है। इधर बेबी म्यूजिक को सुनकर एंजॉय कर रहा था। बैट्स ये देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो डॉग से कहता है बेबी ने प्लान नहीं सुना, लेकिन डॉग बेबी को जानता था और वो इन लोगों को दिखाने के लिए बेबी से पूरा प्लान पूछता है। इसके बाद बेबी डॉग की तरह ही प्लान बता देता है। ये देखकर सारे लोग बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद डॉग इन चारों को क्राइम करने के लिए भेज देता है। बेबी इन तीनों को लेकर बैंक के पास पहुंचता है। बेबी यहां देखता है बैट्स ने बैंक के गार्ड को मार दिया है। बेबी को बैट्स का ऐसा करना पसंद नहीं आता है। तभी एक गाड़ी उनका पीछा करती है। यहां एक आदमी होता है जो कि उन पर शूट करने लगता है, जिस पर बैट्स भी उस पर फायर करता है, लेकिन बेबी गाड़ी को आगे बढ़ा देता है और वो ऐसा करके उस आदमी को बचा लेता है। आगे जाकर ये लोग ट्रैफिक में फंसते हैं। तब ये सारे लोग गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी लेने के लिए एक औरत के पास जाते हैं। उस औरत के साथ उसका बच्चा भी होता है। ये लोग उस औरत को कार से निकालते हैं और उसकी कार में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन इन सब में जेडी अपना गन कार में ही भूल आता है, जिस पर जेडी और बैट्स में लड़ाई होने लगती है। बैट्स को यहाँ बहुत गुस्सा आता है और वो जेडी को शूट करके मार देता है। बेबी को अभी ये बात पता नहीं थी और वो इन लोगों के लिए कॉफी लेकर आता है। बैट्स यहाँ बहुत खुश होकर उसे ये बताता है कि जेडी मर चुका है। ये सुनकर बेबी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी डॉग यहाँ आता है और वो यहाँ आकर सभी को उनका हिस्सा देता है। इसके बाद बेबी डॉग से बातें करता है और वो कहता है मैंने अपना आखिरी जॉब कंप्लीट कर दिया है, और वो डॉग को बाय कहता है, क्योंकि बेबी अब ऐसे काम में इनका साथ नहीं देने वाला है। उसके यहाँ से जाने से पहले डॉग उसे इस कार को डिस्पोज करने के लिए बोलता है, जिसमें जेडी की डेड बॉडी पड़ी होती है। बेबी उस कार को ले जाकर कार क्रशर में डाल देता है। इसके बाद वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे फ्लैशबैक में याद आता है उसके सिंगर मदर और फादर ने उसे आईपॉड गिफ्ट किया था। उस आईपॉड को बेबी म्यूजिक सुनने के लिए तब यूज करता था जब उसके माँ बाप आपस में लड़ रहे होते थे, और एक दिन वो आदत के मुताबिक कार में ही लड़ रहे होते हैं। तभी इनका एक्सीडेंट हो जाता है। बेबी अपने जॉब से बहुत दिनों से निकलना चाहता था,
क्योंकि इस जॉब में उसे क्राइम करना पड़ता था, इसलिए वो इस जॉब को छोड़ने के लिए बहुत खुश था। इसके बाद वो डिबोरा से मिलने के लिए जाता है। वो उसे डेट के लिए पूछता है। डिबोरा उसके जॉब के बारे में पूछती है। तब बेबी उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का बात बताता है। डिबोरा ये सुनकर बहुत खुश होती है। इसके बाद ये लोग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। यहीं पे बेबी डिबोरा को एक सॉन्ग सुनाता है जो कि उसने डिबोरा के लिए लिखा था। साथ ही साथ वो उसे अपने ड्राइवर होने की बात बताता है। ये लोग साथ में काफी इंजॉय करते हैं। धीरे धीरे डिबोरा बेबी को पसंद करने लगती है। बेबी यहाँ से अपने घर में जाता है और वो जोसेफ को अपने जॉब छोड़ने के बारे में बताता है, जिस पर जोसेफ उसे पिज्जा शॉप में नौकरी के लिए बोलता है क्योंकि वहाँ ड्राइवर की जरूरत थी। बेबी तुरंत वहाँ जाता है और अपने जॉब के लिए अप्लाई करता है। उसे पिज्जा डिलीवरी करने की जॉब मिल जाती है। वो इस जॉब को पाकर बहुत खुश था। अगली रात बेबी डिबोरा के साथ डेट पर आया हुआ था, तभी यहाँ उसे डॉक दिखता है। डॉक यहाँ बेबी को अपने पास बुलाता है, जिस पर बेबी डिबोरा से बहाना करता है और वो डॉक से मिलने के लिए जाता है। यहाँ डॉक उसे अपने लिए लकी बताता है और वो उसे दोबारा काम करने का ऑफर देता है, लेकिन बेबी उसके काम को लेने से इनकार कर देता है, जिस पर डॉक उसे धमकी देता है कि वो उसके करीबियों को मार देगा, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड डिबोरा भी शामिल है। ये सुनकर बेबी बहुत डर जाता है और वो डॉग के साथ काम करने के लिए एग्री हो जाता है। बेबी डिबोरा को तुरंत यहाँ से लेकर निकलता है, जिस पर डिबोरा बेबी से पूछती है, आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो? लेकिन बेबी उसे कुछ भी नहीं बताता है और उसे अपनी लाइफ में शामिल होने के लिए थैंक्स बोलता है। यहाँ ये लोग रोमांटिक बातें करते हैं। इसके बाद डिबोरा अपने घर चली जाती है। अगली सुबह डॉग बेबी को उसके घर से पिक करता है और वो उसे पोस्ट ऑफिस के सामने लाता है, जहाँ वो उसे बताता है आज तक पोस्ट ऑफिस में कभी भी चोरी नहीं हुई है, इसलिए वो अब यहाँ चोरी करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारा पैसा है। इसके बाद डॉग बेबी को अंदर भेजता है ताकि वो स्टाफ मेंबर्स और कैमरे को गिनकर आ सके। कुछ देर के बाद बेबी अंदर जाता है और वो यहाँ सारा कुछ गौर से देखता है और हर चीज नोट करता है। वो यहाँ के मैनेजर से भी बातें करता है जो कि उससे बहुत अच्छे से बातें करती है। इसके बाद डॉग बेबी को लेकर अपने अड्डे पर जाता है। यहाँ डॉग इन लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन देता है। वो उनसे कहता है ऑफिस के एक बॉक्स में $250 स्लिप्स रखे हुए हैं जो कि इन लोगों को हासिल करने हैं, इसलिए इस बैंक में सबसे पहले डार्लिंग जाएगी। इसके तुरंत बाद बड़ी जाएगा और उसे गन पॉइंट पर रख लेगा। ऐसा करने से सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसके बाद बैट्स पीछे से ऑफिस में जाएगा और वो उस बॉक्स को लेकर बाहर आ जाएगा, जहां बेबी उनका कार में इंतजार कर रहा होगा। डॉक उन्हें बताता है उन्हें रात यहीं पर गुजारनी होगी। इसके बाद वो इन तीनों को वेपन लेने के लिए डीलर के पास भेजता है। यहाँ पहुंचकर बैट डीलर को ही मार देता है। इसके बाद इन दोनों गैंग के बीच में अंधाधुंध फायरिंग होने लगती है। यहाँ बडी, डार्लिंग और बैट मिलकर सभी लोगों को मार देते हैं। इसके बाद डार्लिंग और बडी बैट पर गुस्सा करते हैं। तब बैट इन लोगों को बताता है ये सारे लोग अंडरकवर ऑफिसर थे जिन्हें उसने इसलिए पहचान लिया क्योंकि इन्होंने एक बार इसे अरेस्ट किया था। बेबी इन तीनों को अपने अड्डे की तरफ ले जा रहा होता है, तभी बैट जानबूझकर डिबोरा के रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रुकवाता है और वो सभी को उसके रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। यहाँ डिबोरा बेबी को देखकर बहुत हैरान होती है, लेकिन बेबी उसके तरफ नहीं देखता है। जब ये सारे लोग खाना खा लेते हैं तब बैट बिल पे करने के लिए डिबोरा को मारने वाला होता है, लेकिन बेबी उसे बचा लेता है और सारा बिल खुद ही पे कर देता है। साथ ही उसे एक नोट देता है जिसमें उसने डिबोरा को रात के 2 बजे मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद वो सबको लेकर अड्डे पर आ जाता है। यहाँ डॉग बैट पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि बैट ने उसके आदमियों को मार दिया था, क्योंकि जो लोग भी वहाँ मारे गए थे वो लोग डॉग के ही साथी थे। डॉग इन्हें पुलिस से बचने के लिए इन्हें भागने के लिए बोलता है, लेकिन बैट डॉग से ये बोलता है खबर देने वाला कोई नहीं रहा और मैंने सबको मार दिया था, जिस पर डॉग बेबी से एडवाइस लेता है कि उन्हें ये काम करना चाहिए या नहीं। तब बेबी सिर्फ यस बोलता है। बेबी उनकी बातों को आईपॉड पर रिकॉर्ड कर चुका होता है। जब ये लोग रात होने पर वहाँ से कार लेकर निकलने लगते हैं, तब बडी और बैट उसके पास पहुँचते हैं जिनके पास बेबी का आईपॉड था, और वो रिकॉर्ड की हुई बातों को प्ले करते हैं और वो गन दिखाकर उससे रिकॉर्डिंग करने की वजह पूछते हैं, जिस पर बेबी उन्हें कहता है ऐसा करना उसकी हैबिट है। लेकिन ये लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं और उसके घर जाकर सारे कैसेट्स उठाकर ले आते हैं। यहाँ डॉक भी बेबी को गलत समझता है और वो उसे टॉर्चर करता है। उसके सामने वो उन कैसेट्स को प्ले करता है, लेकिन ये सारे कैसेट्स तो सॉन्ग्स थे और उसने इनकी बातों को भी ऐसा एडिट किया था जैसे कि वो सॉन्ग हो। इन सॉन्ग्स को सुनकर डॉक उसे माफ कर देता है और उसे वापस प्लान में शामिल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डिबोरा को देखते हैं जो कि बेबी का वेट करते रह जाती है, लेकिन बेबी उससे मिलने के लिए नहीं आता है। इसके अगले दिन बेबी बैट्स बडी और डार्लिंग को ऑफिस लेकर जाता है। यहाँ वो अपने प्लान के मुताबिक अंदर जाते हैं। बेबी बाहर इनका वेट कर रहा था और वो यहाँ बैठकर मैनेजर को अंदर जाता हुआ देखता है। बेबी को यह मैनेजर पर दया आ जाती है। बेबी की इंसानियत यहाँ जाग जाती है और वो मैनेजर को अंदर न जाने का इशारा करता है, जिसे मैनेजर समझ जाती है और वो गार्ड को बुलाकर ले आती है। तभी बैट्स बडी और डार्लिंग बाहर आते हैं और उनके साथ बॉक्स भी था। यहाँ बैट्स उस गार्ड को मार देता है, जिसे देखकर बेबी बहुत शॉक होता है, जिसकी वजह से वो कार नहीं चला पाता है। बैट्स यहाँ बहुत गुस्से में था और वो बेबी पर गन पॉइंट करके उसे गाड़ी चलाने के लिए बोलता है। बेबी इन लोगों से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए वो जोरों से अपनी गाड़ी को चलाता है और सामने एक ट्रक पर जाकर हिट कर देता है। उस आगे वाले ट्रक में रॉड्स थी जो कि बैट्स के गर्दन के आर पार हो जाती है और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है।
तभी बड़ी बेबी का गला पकड़कर उस पर बहुत गुस्सा करता है। उसी वक्त पुलिस भी यहाँ आ जाती है। पुलिस को देखकर सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी बेबी एक पार्किंग लॉट से कार चुराता है और वो उसे लेकर यहाँ से भागता है, लेकिन पुलिस उसके पीछे लग जाती है। यहाँ डार्लिंग पुलिस से बहुत गुस्सा थी और वो गन निकाल कर पुलिस की तरफ फायर करती है। तभी उसे पुलिस की गोली लगती है और उसकी मौत यहीं पर हो जाती है। डार्लिंग को मरता हुआ जब बडी देखता है तब उसे बेबी पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके कार की तरफ फायरिंग करने लगता है, लेकिन बेबी किसी तरह कार से निकल जाता है। बेबी का आईपॉड यहाँ गिरकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागता है, लेकिन अब उसके कानों में बीप की आवाज आ रही होती है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके हाईवे की तरफ भागता है। इसके बाद वो एक औरत को गन दिखाकर उससे कार छीन लेता है, लेकिन वो उससे सॉरी बोलता है और वो उस कार को लेकर घर की तरफ निकल जाता है। यहाँ वो जोसेफ को उठाकर एक लिविंग होम में लेकर जाता है। यहाँ वो उसे ढेर सारे पैसे देता है। साथ ही साथ वो यहाँ एक रिकॉर्डिंग रख के जाता है जिसे सुनकर किसी को भी समझ में आ जाए कि जोसेफ को किस चीज की जरूरत है। इसके बाद बेबी डिबोरा को लेने के लिए उसके रेस्टोरेंट पर जाता है, लेकिन यहाँ पहले से बड़ी बैठा हुआ था और वो डिबोरा को बेबी के सामने मारने की धमकी देता है। तभी बेबी यहाँ आकर उसके हाथ को शूट कर देता है और वो डिबोरा को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो सीधा डॉग के पास जाता है जहाँ वो चुराए हुए पोस्ट ऑफिस के बॉक्स के बदले अपने मॉम के सारे कैसेट्स को मांगता है। डॉग उसकी बात मान जाता है और उसके कैसेट्स उसे वापस कर देता है। यहाँ बेबी डॉग से हेल्प मांगता है। डॉग पहले तो उसकी हेल्प करने से मना करता है, लेकिन बाद में जब वो डिबोरा को देखता है तब डॉग उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। इसके बाद डॉग उन्हें कुछ पैसे देता है, साथ ही वो इन्हें यहाँ से निकलने के रास्ते के बारे में भी बताता है। लेकिन जब ये लोग पार्किंग एरिया में पहुँचते हैं यहाँ वेपन डीलर के कुछ आदमी इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन डॉग इन लोगों से उन्हें बचा लेता है। तभी बडी यहाँ आ जाता है और वो डॉग को मार देता है। बडी बेबी को भी मारना चाहता था, लेकिन बेबी किसी तरह बच जाता है, लेकिन अंत में बडी बेबी को पकड़ लेता है और वो उसे शूट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो उसके कानों के करीब शूट करता है जिससे बुलेट उसके कान के नजदीक से गुजरती है और उसे कुछ देर के लिए यहाँ कुछ भी सुनाई नहीं देता है। अब वो बेबी को मारने वाला था, लेकिन तभी डिबोरा उस पर हमला करती है। तभी बेबी गन पकड़कर जल्दी से बडी को शूट कर देता है और यहीं पर बडी की मौत हो जाती है। बेबी और डिबोरा यहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। इसके बाद ये लोग सुबह तक ड्राइव करते हैं। ये लोग अब बहुत दूर निकल चुके हैं। ये लोग जब हाईवे पर पहुँचते हैं तब पुलिस उन्हें घेर लेती है। यहाँ बेबी को सरेंडर करना पड़ता है। इसके बाद बेबी का ट्रायल स्टार्ट होता है। इस ट्रायल में जोसेफ और डिबोरा के अलावा बहुत से शख्स बेबी के फेवर में गवाही देते हैं, क्योंकि बेबी ने उन सभी की मदद की थी। ये लोग कहते हैं बेबी ने इन क्राइम्स को जानबूझकर नहीं किया है, उसने ऐसा मजबूरी में किया है। ये लोग उसके अच्छे कैरेक्टर के बारे में भी बताते हैं। इसके बाद बेबी को सजा दी जाती है। जब तक वो 25 ईयर का नहीं हो जाता है तब तक वो जेल में रहेगा। मूवी के लास्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं बेबी जेल से निकलता है और डिबोरा एक बहुत ही खूबसूरत कार के साथ उसका वेट कर रही होती है। ये दोनों यहाँ एक दूसरे को किस करते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। इनके खुशी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।